नमस्कार दोस्तों, पीआरबी हिंदी में स्वागत है आपका। मैं हूं जॉन भट्ट। आज हम आपके लिए एक्सेल के एक नई वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम एक्सेल को एक बार शुरू से जानेंगे और इसके पूरे बेसिक्स को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने एक्सेल कैसे खोलनी है या कैसे हम एक्सेल को ओपन कर सकते हैं, सबसे पहले वहां पे शुरू करते हैं। अब एक्सेल ओपन करने से पहले आपको ये चीज ध्यान रख लेना होगा कि एक्सेल आपके सिस्टम में इंस्टॉल है। एक्सेल अलग से इंस्टॉल नहीं होता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज, उसी के अंदर का एक प्रोग्राम है। आपके पास कोई भी वर्जन हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, 2007 हो सकता है, 2010, 2013, 2016, या 365 का कोई सब्सक्रिप्शन वर्जन होगा, या आप अगर उससे भी पुराना चला रहे हैं तो एक्सेल ऑफिस 2003 का पैक हो सकता है आपके पास। तो उनके लिए, सभी के लिए लगभग तरीका एक ही जैसा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे छोटे तरीके से, कैसे हम एक्सेल को चालू करें। हम विंडो और आर की दबाएंगे जैसे हमारे सिस्टम में, तो हमारे पास रन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। जैसे देखिए, हम इसको रन का डायलॉग बॉक्स या गो बॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना है EXCEL, एक्सेल। यदि कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका इंस्टॉल है, तो आपके एक्सेल लिखते ही ये अपने आप ही उस प्रोग्राम का पता, पूरा ठिकाना अपने आप ही ढूंढ लेगा। आपको बस यहाँ पे एक्सेल लिखना है और इसको ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लॉन्च हो जाएगा। अब उसी तरह दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने स्टार्ट मेन्यू में जाके प्रोग्राम को खोज सकते हैं, जिसके लिए आपका, यदि आप विंडोज 10 चलाते हैं तो आपके पास सारे जो ऑफिस के प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग इंस्टॉल होते हैं। तो आप डायरेक्टली स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे स्टार्ट में आपने क्लिक किया या विंडोज का बटन दबाया, और आप एक्सेल लिख देंगे। तो जैसे आप एक्सेल लिखेंगे, आपका प्रोग्राम यहाँ पे दिखा देगा, और जो बची हुई बाकी, यदि कोई पुरानी फाइल है या रिलेटेड जो फाइल सर्च है, वो आपका वो दिखा देगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपकी एक्सेल फाइल खुल जाएगी, नया एक्सेल प्रोग्राम खुल गया आपका। अब यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन दिखा रहे हैं कि जो लास्ट मैंने जैसे यूज किया हुआ है, तो रिसेंट में दिखा रहा है, कुछ आपने पिन किया रहेगा तो वो दिखाएगा। बाकी ऑनलाइन, जैसे आप अगर वन ड्राइव के साथ यूज करते हैं, तो जो शेयर करी हुई फाइल होंगी वो भी दिखाएगा, और बाकी कुछ यहाँ पे हेल्प के लिए दिखा रहा है कि कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह यदि आप नई फाइल बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से न्यू का ऑप्शन है, आप डायरेक्टली यहाँ पे ब्लैंक भी बना सकते हैं या किसी टेम्पलेट के ऊपर बना सकते हैं। और अगर पुरानी शीट को खोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ओपन में क्लिक करेंगे। जैसे पहले न्यू से शुरू करते हैं, न्यू किया हमने, तो यहाँ पे देखिए कि जैसे एक तो ये पुराने हेल्प के वो आ गए आपके पास, और बाकी आपके पास फिर अलग अलग टेम्पलेट के हिसाब से यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं। तो ये एडवांस लेवल में हम बाद में देखेंगे। हम शुरू में एक ब्लैंक वर्कशॉप से, ये ब्लैंक वर्कबुक से हम शुरू करते हैं इसको। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, पूरी एक खाली आपकी एक्सेल शीट खुल जाएगी। अब दूसरा तरीका ये हुआ, यदि आप पुराना विंडोज का कोई पुराना वर्जन चलाते हैं, यदि आप विंडोज 7 में हैं या विंडोज XP चला रहे हैं, तो आपके पास स्टार्ट में जाके ऑल प्रोग्राम्स में जाके वहां पे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अलग फोल्डर बना हुआ मिलेगा। जैसे आप ऑल प्रोग्राम में क्लिक करेंगे तो कुछ इसी तरह दिखेगा। फिर उसके बाद आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक अलग फोल्डर रहेगा, और उसके अंदर जाके आप उसको एक्सपेंड करके वहां से आप उसको खोल सकते हैं, एक्सेल को आप लॉन्च कर सकते हैं। तो जो भी आपके लिए आसान तरीका हो, जैसे हमने दो तरीके बताए, या तो आप स्टार्ट में सर्च करिए, या आप रन के थ्रू ओपन करिए, या आपके पास अगर कोई दूसरी फाइल खुली है तो आप वहां के थ्रू भी जाके लॉन्च कर सकते हैं, या उसमें न्यू फाइल करके, कंट्रोल न्यू करके आगे दूसरी बुक खोल सकते हैं। तो ये तो हुआ कि हम एक्सेल को कैसे चालू करें इसके बारे में। अब उसके बाद कुछ इस एक्सेल फाइल में, या जो हम इसको वर्कबुक बोलते हैं, एक बार इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। ये हमारा फाइल का हेडिंग है, जो फाइल का नाम है। बाय डिफॉल्ट एक्सेल इसको बुक के हिसाब से मेंटेन करता है, तो जो आपके करंट फोल्डर में जो आपने सेव किया होगा, अगर बुक 1 सेव किया हुआ है, तो जब नया नई आप फाइल खोलोगे तो बुक 2 करके दिखाएगा। उसी तरह तो ये ऑटोमेटिकली नेम करता है, जब आप सेव करेंगे तो नाम बदलने का आपके पास ऑप्शन आएगा। जो भी आप नाम रखेंगे, ये आपकी फाइल का नाम रहेगा। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्लोज का बटन है, रिस्टोर और मैक्सिमाइज का बटन है, और मिनिमाइज करने का बटन है। उसके बाद एक यहाँ पे और बटन मिलेगा, जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोडक्ट जो 2007 के बाद के वर्जन होंगे उनमें दिखेगा। 2003 तक ये फीचर नहीं था,
इसको ये बोलता है कि रिवन को डिस्प्ले का कैसा सेटिंग करना है आपको। अब रिवन क्या है आपके सवाल ये होंगे, तो रिवन ये वाला एरिया है जो आपको सबसे पहले हिस्से में दिख रहा है, जो हम विंडोज एक्सपी के टाइम पे जब माइक्रोसॉफ्ट 2003 होता था, ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 होता था, उस टाइम पे हम उसको टूल बार बोलते थे। उसी तरह आजकल जो उसके बाद के जो ऑफिस प्रोडक्ट आए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 हो, 7 से लेके जो भी आगे के वर्जन है, उनको इन्होंने इस हिसाब से दिया हुआ है। तो ये इन्होंने इसको बोला कि ये रिबन है। अब रिबन के ऊपर इन्होंने यहाँ पे अलग अलग इनको कैटेगराइजेशन कर रखी है। जैसे अभी इन्होंने होम में दिया तो कुछ क्लिपबोर्ड के दे दिए, फिर ये फॉन्ट के टूल दे दिए, फिर अलाइनमेंट के टूल दे दिए, फिर नंबर के कुछ टूल हैं, स्टाइलिंग है, सेल के लिए है, एडिटिंग के हैं। उसी तरह आप इंसर्ट में जाएंगे तो इंसर्ट से रिलेटेड जो इंसर्ट मेनू में ऑप्शन होते थे पहले, वो वाले अलग अलग ऑप्शन आ गए। उसी तरह पेज लेआउट के लिए जब आपको प्रिंट करना रहता है तो उसकी सेटिंग के लिए है। उसी तरह फॉर्मूले के टूल हैं, डाटा एनालाइजेशन के लिए टूल है, आप कुछ फाइल शेयर करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, उस टाइप की आपके लिए रिव्यू के लिए टूल है। कुछ और सेटिंग के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। कुछ अगर आपने एक्स्ट्रा एडवांस उसमें इंस्टॉल कर रखे हैं या आपने क्रिएट किए हैं, डेवलप किए हैं, तो ये चीज़ है। और हेल्प के लिए भी आपके पास यहाँ पे इसी तरह, ये आपके कितने एक्सटेंशन इंस्टॉल हैं या क्या क्या चीजें उसमें आपने एक्स्ट्रा इंस्टॉल किया हुआ है, उसके ऊपर और भी यहाँ पे मेनू ऑप्शन दे सकते हैं। तो हम इनको जो दिख रहा है इनको हम रिबन बोलेंगे और इसको हम टैब बोलेंगे, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इस हिसाब से हम इनको बोलेंगे। डाटा टैब में जाएंगे उस हिसाब से, अभी बाय डिफॉल्ट ये होम टैब में रहेगा। अब यहाँ से आपके पास ऑप्शन ये आएगा इस पे क्लिक करने से कि आप रिबन को ऑटो हाइड करना चाहते हैं, मतलब जब आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे ये खुलेगा नहीं तो बंद हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि टैब दिखाना है, खाली आपको शो रिबन टैब्स ओनली, मतलब ये नीचे का कमांड टूल बार कितना भी नहीं दिखाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन खाली ऊपर से आपके पास ये होम इंसर्ट पेज लेआउट ये दिखेगा। अभी जो बाय डिफॉल्ट चेक है वो है शो टैब्स एंड कमांड्स। तो अभी हमने बाय डिफॉल्ट जो पूरा ऑप्शन है ये किया हुआ है। तो अब आपको काम करने के लिए कितना स्पेस चाहिए या क्या आपका काम का नेचर है, उस हिसाब से आप इसको दिखाने के लिए ऐसे, जैसे अभी मान लीजिए आपको अगर ज्यादा बड़ा डेटा है और आपको एरिया ज्यादा चाहिए काम करने के लिए, तो आप इन टूल्स को हाइड कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका रिवन यहाँ से खुल जाएगा, जैसे आप वापस छोड़ेंगे ये हो जाएगा। अब उसी तरह यदि आप इसको ऑटो हाइड करते हैं तो अभी देखिए ये हट गया, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आएगा आपका, और जैसे आप वापस बाहर क्लिक करते हैं ये वो हो गया। तो इस हिसाब से आपके ये ऑप्शन हो गए जो कि सबसे यहाँ ऊपर से शुरू हुए। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास फाइल मेन्यू है, जो कि इसमें आपके पास फाइल सेव करने के ऑप्शन है, प्रिंट का ऑप्शन है, शेयर का, एक्सपोर्ट का, पब्लिश करने का ऑप्शन है, बाकी आपके पास यहाँ पे सेटिंग है और आपके सब्सक्रिप्शन की, उसके लिए ओपन और न्यू का ऑप्शन भी आपके पास यहीं पे है, और कुछ बाकी चीजें सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या आपने उसका क्या प्रॉपर्टी सेट किया हुआ है, कौन कौन उसमें ऑथर था, इस टाइप की चीजें भी, या बाकी आपके सेटिंग्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इसको हम नेक्स्ट आगे जब एडवांस चीजें होंगी तो उसी हिसाब से हम एक एक करके बात करते जाएंगे इनको। अब दूसरे उससे आगे वाले सीट में पढ़ते हैं, आगे वाले एरिया में आते हैं। हमने पहले इसको बोला कि ये टाइटल बार है, यहाँ की कुछ चीजें हमने डिस्क्राइब करी, फिर उसके बाद हमने ये मेन्यू और उसके रिवन की बात करी जिसको हमने टैब और रिवन बोला। और फिर अब ये जो आपका है ये नेम बॉक्स है, जैसे देखिए हम माउस लेके जा रहे हैं, नेम बॉक्स है। तो नेम बॉक्स आपका क्या दिखाता है कि जैसे अभी C5 आ रहा है, C5 कहाँ से आया, जहाँ पे आपका कर्सर है या जो सिलेक्टेड है उसका वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा ये। अभी इसको भी हम दोबारा देखेंगे कि ये क्या चीज है, इसके बारे में भी एक बार अभी बात करेंगे। जैसे आप जहां पे क्लिक करेंगे वो ये उसका नाम दिखाएगा, एक बार के लिए हम ऐसा समझ लेते हैं। नेक्स्ट ये जो आपका है ये फॉर्मूला बार है, यदि आप कहीं भी किसी भी सेल में अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आपको फॉर्मूला दिखेगा, नहीं तो जो आपने लिखा हुआ है, जैसे आप मान लीजिए कुछ भी लिखते हैं तो ये लिखा हुआ आपको एडिट करने के लिए भी दिखेगा, तो आपके लिए ये एडिट भी करने का ऑप्शन यहाँ से डायरेक्टली हो सकता है या आप डबल क्लिक करके कर सकते हैं। लेकिन ये जनरली ये फॉर्मूला बार है, फॉर्मूले को टेस्ट करने के लिए या फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है उसको डिबग करने के लिए आपके काम आएगा। अब नेक्स्ट जो बचा ये आपका है जो ABCD करके जो ये दिख रहे हैं,
इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो सिलेक्ट हो रहा है अभी आपको दिख रहा है, मतलब जो खड़ी वाली पूरी एरिया है ये एक कॉलम है। जैसे ए बी सी डी जो भी है ये अपने आप में एक कॉलम है पूरे, और जो इधर साइड है ये रो है। आपका रो और कॉलम मिलके एक सेल का एड्रेस बनता है, और एक पूरी शीट इसी हिसाब से बनी हुई होती है। तो अब एक बार गौर से देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, बी में क्लिक किया हूँ, जैसे मैंने बी में क्लिक किया और यहाँ पे पहले नंबर लाइन पे है, जैसे देखिए यहाँ पे बी भी दिखा रहा है और एक भी दिखा रहा है। अब ये यहाँ पे अपने आप ही बी एक दिखा रहा है। अब उसी तरह हम कहीं दूसरी जगह पे क्लिक करते हैं तो ये एड्रेस उसी हिसाब से चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि ये पहला वाला है कॉलम और दूसरा वाला रो है, ये हमें एड्रेस बताता है उस जगह का। यदि हम यहाँ पे वैसे क्लिक करेंगे तो जो सबसे पहला वाला सेल है, देखिए वो सिलेक्टेड है, उसका एड्रेस इसने बता दिया। अब सेल क्या होता है ये देख लेते हैं कि एक रो और कॉलम के बीच में जो इंटरसेक्शन करके जो बनती है इसको हम सेल बोलते हैं। जैसे अभी ये देखिए, यहाँ पे एक रो और एक कॉलम और एक रो का जो हिस्सा है ये बीच में, ये हमारा एक सेल है। तो इसी तरह एक्सेल क्या है, मल्टीपल सेल्स को लेके बनता है। मतलब इसमें जो एक्सेल के जो बनाने वाले फाउंडेशन है वो सेल है। यदि हम जैसे घरों की बात करते हैं, जैसे ईंटें ईंटें मिलके घर बनती है, तो ठीक उसी तरह ये सेल सेल जो है एक्सेल का फाउंडेशन है। तो सेल हमारा एक हिसाब से हम बोलेंगे जो एक डब्बा जो दिख रहा है आपको या एक जो बॉक्स दिख रहा है, ये है जो कि एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहां पे हम कुछ भी लिखेंगे या कुछ भी अप्लाई करेंगे वो इसी के यहाँ पे आगे से, जैसे फॉर्मूला लिखना होगा हमें या कुछ टेक्स्ट लिखना होगा हम इसी के ऊपर लिखेंगे। अब एक बार ये देख लेते हैं कि इसमें कितने सेल होते हैं और कितने कॉलम होते हैं, या हम कितने लाइन में डाटा लिख सकते हैं, इस टाइप की बात कर लेते हैं। दोस्तों एक बार इसको हम समझने के लिए यहां से मैं स्क्रॉल करते हुए, जैसे यहाँ पे देखिए अभी नेक्स्ट हमने कुछ छोड़ दिया सेल और कॉलम की बात करते, अभी हम इसको समझने के लिए यहाँ से लेके इसको कर्सर को इधर लेके जाते हैं। मैं एक बार लास्ट में जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे वहां पे ए बी सी डी जो आ रहा था, अब ए बी सी डी यहाँ पे चेंज होके एक्स एफ हो गया है, एक्स एफ डी तक हो गया है। अब ये कैसे हुआ एक बार ये देखने के लिए एक बार शुरू में जेड में पहुंचते हैं और फिर देखते हैं। जैसे देखिए ए बी सी डी से शुरू हो रहा था डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड होने के बाद में ये ए ए से शुरू हो गया, ए ए ए बी करके। अब पहला ए लग गया और फिर उसके बाद ए बी सी डी चली। अब जैसे ये जेड में पहुंच जाएगा, देखिए ए वाई ए जेड, अब फिर उसके बाद बी के बाद शुरू हुआ, इसी तरह से करके टोटल 16,384 आपके पास कॉलम रहते हैं एक्सेल में, जो अभी तक प्रोविजन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो ये है आपके पास 16,384 कॉलम्स, और रो कितने रहते हैं वो देखने के लिए कि हम इसको भी सीधा लास्ट में जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हर किसी का जैसे 1 2 3 4 नंबर लिखा हुआ था, उसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो 10,48,576 जो है हमारे पास रो होती है या लाइन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास कोई डेटा शीट है या कोई डाटा अगर हमें कंप्यूटर में एक्सेल में हम फिट करना चाहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है कि 16,384 तक हेडिंग हो तो भी, और अगर उसमें 10,48,000 तक लाइन है तो भी हम उस डाटा को इसमें फीड कर सकते हैं, इतना लेवल तक का डाटा ये हैंडल कर सकता है। ये हमारा, हमने वर्क एरिया को देखा, अभी हमने ये नेम बॉक्स देखा, फॉर्मूला बॉक्स देखा, उसके बाद हमने ये वर्क एरिया देखा जहाँ पे सेल थे, रो थे और कॉलम थे। अब इसके नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास शीट आ रहा है। देखिए ये पहले बुक थी यहाँ पे और बुक के अंदर ये शीट आ रही है। तो मतलब क्या हुआ कि जो एक्सेल की एक फाइल है इसको हम एक बुक बोलते हैं अथवा वर्कबुक बोलते हैं, अगर हम एक्सेल की भाषा में बात करें या कंप्यूटर की भाषा में बात करें, तो ये एक वर्कबुक है जो कि एक फाइल की तरह है अपने आप में, और जो शीट है शीट आपके लिए उसके अंदर के पन्नों की तरह है, अलग अलग आप कितने भी चाहें आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब जैसे यदि आपको इस शीट में आपने कुछ काम किया, अब कुछ दूसरी चीज से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे न्यू शीट पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए प्लस का निशान बन के आ रहे हैं, आप शीट पे क्लिक करेंगे दूसरा आपके पास ब्लैंक आ जाएगा, और जो पुराना आपका डाटा है वो वैसा का वैसा ही दूसरी जगह पड़ा रहेगा।
अब आपके पास क्या हुआ कि एक ही फाइल में दो डेटा हो गए। जैसे कि यदि आप मान लीजिए किसी स्कूल की बात करते हैं, तो मैं ये बोलूं कि क्लास वन का पहला सेमेस्टर का डेटा इसमें है और दूसरा सेमेस्टर का डेटा इसमें है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और इसको देखिए, रीनेम करने के लिए भी यदि आप इसका नाम बदलना चाहते हैं या आप कुछ अपने को जो आपको समझ में आए उस हिसाब का नाम रखने के लिए आप इसका नाम बदल सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके उसी तरह आप अपने जरूरत के हिसाब से सीट बढ़ा पाएंगे। और दूसरा चीज, आपको डाटा मैनेज रखने के लिए और ऑर्गेनाइज या अच्छी तरह से प्रेजेंट करने के लिए इन सीट का नाम बदलने की जरूरत पड़ सकती है, या आपको अपने याद रखने के लिए भी इनका नाम बदलने की जरूरत पड़ सकती है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे 4 सीट ऐड करी है, तो हम यदि चाहें तो इनका नाम यहाँ से हम बदल सकते हैं। देखिए, राइट क्लिक किया मैंने, राइट क्लिक कहाँ पे किया है, बिल्कुल इस सीट के ऊपर किया है। देखिए, सीट के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ से रीनेम चूज किया मैंने। रीनेम करके जैसे मैंने इसको लिख दिया कि क्वार्टर वन, ठीक है। अब उसी तरह दूसरा वाला है, आप यहाँ पे बाहर नहीं, जैसे देखिए अभी आपके पास पॉइंटर बन के आ रहा है माउस का कर्सर का, तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो भी ये एडिट होने के लिए आ जाएगा। तो मैंने इसको क्वार्टर टू लिखा और उसी तरह इसको भी हम बदल देते हैं चारों को। तो ये आपके लिए डाटा मैनेज करने के लिए एक आसान तरीका हो जाएगा। और यदि आप किसी को फाइल शेयर भी करते हैं या कुछ दिन बाद आपको खोल के देखनी भी पड़ती है, तो आपको पता रहेगा कि आपने कौन से सीट में क्या सेव किया था। आपको खोल के, अगर आपको क्वार्टर थ्री का डेटा चाहिए, तो आपको सीट तीन थी या सीट दो थी वो याद रखने की बजाय सीधा सीधा आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे इसको सीट वन कर देता हूँ। देखिए, क्योंकि अभी सीट वन यहाँ पे नहीं है तो इसलिए इसने सेव करने दिया, लेकिन अगर दोबारा हम इसको ऐड करते हैं तो सीट सिक्स दिखाएगा, ना कि सीट छः। ये उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा कि उस सीट में आपके कितने हैं, ये वो करेगा। और दूसरा चीज, जैसे देखिए, ये एक नाम को एक ही सीट के लिए अलाउ करेगा, आपको डुप्लीकेट नाम रखने नहीं देगा। जैसे अभी मैं अगर सीट वन ही इसका नाम रखूँ, इसने बोला कि ये नाम पहले से लिया गया है, कुछ दूसरा नाम रख के ट्राई करिए बोल के उसने उसको सेव नहीं करने दिया। तो ये इसका यहाँ पे हमारा ये सीट हो गए। अब ये नेक्स्ट हमारा स्क्रॉल बार है, ठीक है। हम फाइल को इधर उधर मूव करने के लिए जितना हमारे पास डाटा रहेगा उसी हिसाब से स्क्रॉल बार अपने आप ही स्ट्रेच होता रहेगा। ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार है और ये हमारा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है। हम अपने सुविधा के हिसाब से इसको छोटा या बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए, तीन डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पे माउस ले जाएंगे, माउस का आइकन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आपका इसको आप ड्रैग कर सकते हो। अब फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो सबसे नीचे वाली लाइन है, ये हमारा स्टेटस बार है। यदि हम कुछ लिखते रहेंगे या कुछ मान लीजिए काम हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि कितना हो रहा है। और इसी तरह इधर वाले साइड में कि जो आपने डाटा सेलेक्ट किया हुआ है उसका कुछ समरी है या कुछ चीजें दिखानी है तो वो दिखाएगा। जैसे कि एक बार हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक ही है, कुछ नहीं है, लेकिन हमने अगर इन दोनों को सिलेक्ट किया तो ये देखिए कि इसका एवरेज इतना है, काउंट इतनी है और सम इतना है करके इसने दिखा दिया। आप इसी को राइट क्लिक करके यहाँ पे और एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि जैसे न्यूमेरिक काउंट कितना आ रहा है, बाकी चीजें देखिए जैसे कैप्स लॉक ऑन है कि ऑफ है, नम लॉक ऑफ है या ऑन है, इस टाइप का भी आप यहाँ पे चीजें दिखा सकते हैं, इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं आपकी। अभी जो दूसरी है, ये जो हम पेज लेआउट की बात कर रहे हैं, जैसे ये पेज लेआउट में थे हम लोग, सॉरी हम यहाँ पे व्यू में थे, ये व्यू वाली बात है कि अभी पहला जो है कि बाय डिफॉल्ट अभी हम नॉर्मल व्यू में हैं। अब दूसरा व्यू हमारे पास होता है एक पेज ब्रेक व्यू। हम पेज ब्रेक व्यू इसको बोलते हैं कि जो प्रिंट करने पे वो कैसा दिखेगा, कि यदि हम उसको प्रिंट लेते हैं तो जितना एक पेज में आएगा, मतलब हार्ड कॉपी जो प्रिंट आउट जो बाद में प्रिंट आउट जो निकलेगा उसमें जैसा दिखेगा उसी तरह इसमें भी दिखेगा। अब कई बार बड़ी शीट होती है लेकिन प्रिंट करते टाइम पे वो 2 पेज में या 3 पेज में बढ़ जाती है, तो वो ये व्यू से हमें ठीक प्रिंट में कितना दिखेगा खाली उसी हिसाब से बन के आएगा। और हम इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको खींच के बड़ा भी कर सकते हैं और उसी तरह हाइट भी इसकी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। अब वापस इसको नॉर्मल में लेके आते हैं ये चीज। अब फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, ये इन्हीं का टगल है। देखिए, पेज लेआउट मतलब कि एक बार जो प्रिंट होने वाले हैं उसी हिसाब से पेज बाय पेज करके जैसे रीडिंग व्यू आती है लगभग उसी हिसाब से ये चलता रहेगा।
ये आपका पेज ब्रेक व्यू, जो यहाँ के तीन चीजें हैं, इन्हीं का ये शॉर्टकट दिया हुआ है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जूम के लिए। तो एक बार नॉर्मल करते हैं वापस। देखिए, जो हमें यहाँ पे कंटेंट दिख रहा है, यदि मैं अभी कुछ प्रोजेक्टर यूज कर रहा हूँ या कई बार जरूरत पड़ती है ऐसी, तो देखने के लिए हम इसको यहाँ पे जितना बड़ा करेंगे स्क्रीन मैग्निफाई हो जाएगी। ये सिंपल जूम टूल है, हमें जितना भी अपने नजर के एंगल से हो, या जैसे किसी को दिखाना रहता है या डेटा फिट कराना है, हम काम कर रहे हैं उस टाइप का, तो आप किस हिसाब से जो करंट स्क्रीन है, करंट जो व्यू है आपका, उसमें कितना आपको डाटा दिखाना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और वो उसी हिसाब से आपको फॉन्ट साइज को रिड्यूस करा के, मतलब स्क्रीन को आपको जूम इन और जूम आउट करके ये बताएगा यहाँ पे। इस हिसाब से ये आपका इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज जो और बचती है वो ये है कि हमने सेल तो समझ लिया कि सेल एक बॉक्स आया है, एक बॉक्स है जो हम बात कर रहे हैं कि एक रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक उस बॉक्स को हमने एक सेल है बोला। तो अब एक्सेल में एक और चीज भी आती है कि रेंज क्या है, मतलब एक तो सेल हो गए और दूसरा हो गया रेंज। तो अब रेंज क्या होती है, जो एक से ज्यादा सेल को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसको हम रेंज बोलते हैं। जैसे देखिए, अभी यहाँ पे मेरा कर्सर है, मैं इसको माउस क्लिक किए हुए ड्रैग करता हूँ इधर से उधर या जहां भी मुझे चाहिए। तो जैसे अभी देखिए, अभी बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने सिलेक्शन छोड़ा तो D3 में कर्सर है। देखिए, बाकी सारे थोड़े से डार्क हो गए हैं और ये है, तो अगर मैं कुछ लिखूंगा तो इसी पे लिखा जाएगा, मतलब ये सिलेक्टेड है और D3 ही दिखा रहा है। लेकिन यदि दोबारा इसी प्रैक्टिस को दोबारा करते हैं, देखिए मैंने माउस लेफ्ट क्लिक किया हुआ है और मैं माउस को ड्रैग करके अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो अब इस टाइम पे आप एक बार नेम बॉक्स में देखिए कि 5R × 3C, मतलब जैसे हम 5x3 बोलते हैं नॉर्मली, जैसे साइज दिखाते हैं किसी चीज का, ये उसी हिसाब से बोल रहा है कि 5 रो हैं और 3 कॉलम हैं जो कि आपने सेलेक्ट किया हुआ है रेंज। तो जो मल्टीपल सेल का एक ग्रुप रहेगा, जो एक साथ में हमने सेलेक्ट किया हुआ है या कुछ ऑर्गेनाइज हिसाब से उसमें डेटा रखा हुआ है, तो इसको हम रेंज बोलेंगे, जो कि फॉर्मूला वगैरह लगाने के लिए और बाकी चीजों के लिए, या उसका एक अलग से नाम देने के लिए, उसका एड्रेस अलग डिफाइन करने के लिए ये काम आएगी। अब जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, देखिए अगर हमने खाली इन दोनों को सेलेक्ट किया तो ये भी एक रेंज है, इन चारों को सेलेक्ट किया तो 4 सेल की रेंज है, और अगर हमने इनको बाकियों को भी सेलेक्ट किया तो ये हमारा अभी कितना हो गया, 12 सेल का रेंज हो गया। अब इसी तरह आप जितना इसको सेलेक्ट करेंगे उतना ये रेंज बन जाएगा। सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि आप या तो किसी सेल में क्लिक करें, फिर उसके बाद मतलब कोई भी एक सेल सेलेक्ट होना चाहिए आपका जहां से आपको शुरू करना है, और फिर आप क्या करेंगे, माउस क्लिक करेंगे लेफ्ट वाला और कर्सर से, मतलब आप अब उसको माउस को व्हील को माउस को खींचते हुए आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्शन को एक्सपेंड करते जाएंगे। और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आपने किसी एक सेल पे क्लिक किया और फिर आप शिफ्ट बटन दबाएंगे कीबोर्ड का, शिफ्ट दबा के एरो की दबाएंगे। देखिए, 4 नेविगेशन की होते हैं आपके पास। तो जैसे अभी मैंने क्या किया, 3 4 जैसे डाउन, जैसे ये मैं दोबारा करता हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, इस सेल को मैंने किया हुआ है, मैंने यहाँ पे अब शिफ्ट प्रेस किया और मैं अब डाउन एरो दबाता हूँ 2 3 4, और फिर उसके बाद में इसको मैं लेफ्ट एरो दबाता हूँ, सॉरी राइट एरो दबाता हूँ, तो 1 2 3, मैं जितना भी मुझे चाहिए या जितना जरूरत है उस हिसाब से हम नेविगेशन को यूज करके, जो नेविगेशन की होते हैं उनको यूज करके लेफ्ट या राइट साइड में हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से भी ये सिलेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने एक बार एक्सेल को शुरू से एक बार जानने की कोशिश करी। आगे की वीडियो में मैं इन्हीं कंट्रोल्स को आपको दोबारा एक बार वन बाय वन करके बताता रहूंगा, और बीच बीच में हम इसी तरह फॉर्मूले और कुछ आपको यूजफुल चीजें बताते रहेंगे। यदि आपको कुछ स्पेशल, आपको आप जानना चाहते हैं कुछ अलग से बारे में, या जैसे एक्सेल के बारे में कुछ टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि नहीं उससे पहले ये वीडियो आनी चाहिए, या इस बारे में आप बताइए, ऐसा अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख के बताएं हमें। तो एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, जो आज के वीडियो में जो हमने आपको समझाने की कोशिश करी, एक बार इसको फिर से दोबारा से शुरू करते हैं कि हमने एक्सेल के अलग अलग हिस्सों की बात करी। सबसे पहले ही हमने टाइटल बार बोला, जहाँ पे फाइल का नाम होता है, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे
मिनिमाइज बटन, रिस्टोर बटन और क्लोज बटन, ये आप विंडोज के साथ जानते हैं हर किसी एक्सप्लोरर विंडो में आता है। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे एक रिबन का डिस्प्ले ऑप्शन हमने दिखाया, मतलब एक बटन है जो कि रिबन को छोटा या बड़ा करना है वो चीज दिखाता है। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे टैब दिखाए, अलग अलग होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला जो भी हमने सेटिंग से इनेबल किए हुए हैं, और कुछ बाय डिफॉल्ट ये टैब दिखाए हमने। फिर उन टैब के अंदर हमने अलग अलग फंक्शनैलिटी के टूल बार दिखाए जिनको हमने पूरा ऑर्गेनाइज करके ये एक रिबन है करके बोला हमने। उसके बाद नेक्स्ट में हमने यहाँ पे नेम बॉक्स देखा जो कि यदि हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो हमें सेल का रेंज बता रहा था, या यदि हमने सिलेक्शन छोड़ा हुआ है तो करंट में जो इस वक्त आपका जो माउस का कर्सर कहाँ पे है वो बता रहा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा फॉर्मूला बार है, यदि हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो उसको एडिट करने के लिए, या यदि आपने कुछ भी टेक्स्ट या फॉर्मूला कुछ भी लिखा हुआ है वो आपको एडिट करने के लिए यहाँ पे दिखेगा, और यदि आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है तो उसको आपको इवेल्युएट करने के लिए यहाँ पे आपको दिखेगा। अब उसके बाद हमने कॉलम की बात करी, जो ए बी सी डी लिखे हुए हैं ये कॉलम है, ये हमने बताया कि 16,384 कॉलम्स होते हैं, और उसी तरह जो 1, 2, 3, 4 लिखे हुए हैं ये रोज हैं, तो ये 10,48,576 रोज हैं। ये आपका एक्सेल 2007 के बाद में ये इतने मिलेंगे, जो एक्सेल 2003 है वहां पे ये काउंटिंग कम थी, या वहां पे हमारे पास कुछ लिमिटेड ही था, इतना नहीं था। तो ये जो एक्सेल 2007 के बाद का है वो ये है। अब उसके बाद हमने सेल बोला, हमने सेल को बताया कि एक कॉलम और रो का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है या जो बॉक्स बनता है इसको हम सेल बोलते हैं, और एक से अधिक सेल को जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक साथ में हमारे जरूरत के हिसाब से, तो हमने उसको रेंज बताया। अब फिर उसके बाद में हमने नीचे आके यहाँ पे इनके जो अलग अलग फाइल के अंदर के जो पेजेस थे या सीट थी, हमने इनको सीट के हिसाब से बताया, आपको कैसे ऐड करना है सीट ये बताई। फिर उसके बाद हमने सीट को कैसे रिनेम करना है वो देखा। यहाँ पे हम इन्हीं को क्लिक करके जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे देखिए मैंने अभी क्लिक किया हुआ है, मेरे को अभी सीट 1, 2, 3, 4 एक साथ करना था तो इस हिसाब से मैंने कर दिया। अब ये सीट 1 है, मैं इसको अगर शुरुआत में ले जाना चाहूँ तो भी ऐसे करके मैं क्लिक करके इसको किधर भी लेके जा सकता हूँ, और आप देख रहे होंगे छोटा सा ऊपर ये एरो आ रहा है कि इसकी करंट पोजिशन क्या रहने वाली है, उस हिसाब से यहाँ पे छोड़ देगा। ये आपके पास नई सीट ऐड करने का बटन है, ये हमने यहाँ पे स्क्रॉल बार बताया आपको, ये हॉरिजेंटल वाला स्क्रॉल बार है और ये वर्टिकल वाला स्क्रॉल बार है। उसके बाद ये उससे नीचे जो है हमारा स्टेटस बार है, यहाँ पे कि फाइल कैसी है, रेडी है या कुछ काम हो रहा है, कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है, जैसे कई बार आपके पास डाटा ज़्यादा रहेगा और आप कुछ फॉर्मूला वगैरह लगाए होंगे, मैक्रो रन करा रहे होंगे या कुछ एडवांस चला रहे होंगे तो वहाँ पे आपको प्रोसेसिंग कर रहा होगा तो वो चीज़ दिखाएगा कि इतना ये है। फिर इधर साइड में हमने यहाँ पे और स्टेटस बार में ही कुछ इंफॉर्मेशन टूल्स दिखाई, यदि आपके पास डेटा है और आपने उसमें कुछ ना कुछ, मतलब आप अगर रेंज को सेलेक्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलर सेल पे क्लिक करने पे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन यदि आपने रेंज सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे उसके जो बेसिक चीज़ें, अभी आपने एवरेज, काउंटिंग और सम दिखाया हुआ है, तो जैसे देखिए अभी एवरेज उसने दो नंबर थे उनके हिसाब से उसने एवरेज निकाली। फिर काउंटिंग में देखिए 6 ही ले रहा है क्योंकि जिनमें वैल्यू है उन्हीं को ये काउंट करेगा, बाकियों को नहीं मानेगा जो ब्लैंक वाले हैं। और उसके बाद सम में इसने जो नंबर थे जैसे 10,48,000 और 16,384, इन दोनों को जोड़ के उसने यहाँ पे एक फिगर दे दी। तो हमें क्विकली जब भी कई बार जरूरत पड़ता है तो इन मान लीजिए इस लाइन में कुछ है नंबर जो है तो उनका हमें सम चाहिए या एवरेज चाहिए, हम वो यहाँ से निकाल सकते हैं एक बार के लिए, मतलब शॉर्टकट जो है तरीका हमें देखने का। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने जो पेज के लेआउट हैं, व्यू जो है पेज के वो देखे हमने, कि एक हमने नॉर्मल व्यू देखा, दूसरा हमने एक रीडिंग व्यू या पेज लेआउट देखा, और तीसरा हमने एक पेज ब्रेक व्यू देखा जिसमें कि हम प्रिंट आउट में ये डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा ये हम बात कर रहे थे। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट में हमने लास्ट में ये जूम का व्हील देखा, स्क्रोलर देखा जो कि जूम इन या जूम आउट करने के लिए स्लाइडर हमारे पास है, जो कि पेज का करंट जो डिस्प्ले है स्क्रीन का उसको कितना छोटा या बड़ा करना है मैग्निफिकेशन करके बताता है, बाकी चीज़ें उसमें कोई ऐसी असर नहीं पड़ती है। तो आशा करते हैं आपको
ये वीडियो पसंद आया होगा और काफी जानकारी मूलक रहा होगा। हमारा हौसला बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि कुछ सलाह देना चाहते हैं या कुछ हमारी कमी कमजोरी है तो कमेंट में लिख के बताइए। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।